नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट को कैसे कलर करते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट का साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर आपको तरीका पता है तो आप एडोबी इन डिज़ाइन का कोई सा भी वर्सन हो, चाहे पुराना हो चाहे लेटेस्ट वर्सन हो, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए और आप कर सकते हैं। तो देखिए, फ़िलहाल मैं एडोबी इन डिज़ाइन CC 2014 का यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊँगा कि कैसे एकदम सही, एकदम ईजीली तरीके से बताऊँगा। जिन्हें नहीं भी आता एडोबी इन डिज़ाइन वो लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो फिलहाल यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, तो फिलहाल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ, नो कर दिया। सबसे पहले आप अपना एडोबी इन डिज़ाइन को ओपन कर लें, फाइल में जाएं, नॉर्मली जैसे पेज लेते हैं अदर्स जो सॉफ्टवेयर है सेम उसी तरह है। इसमें यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट में जाना है। जाने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह डायलॉग बॉक्स आता है, डॉक्यूमेंट प्रीसेट में हमें डिफ़ॉल्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम लोग और नंबर ऑफ पेजेस वन ही, फिलहाल एक ही पेज लेते हैं, बाकी एज इट इज़ यहाँ पे पेज का साइज लेटर रखते हैं और बाकी एज इट इज़ रहने दीजिए। ओके पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिएगा, नॉर्मल सा पेज यहाँ पे आपको आ जाएगा, डिस्प्ले होगा। अब रहा सवाल, जब आप काम करेंगे एडोबी इन डिज़ाइन के अंदर तो पेज कुछ छोटा नज़र आएगा, तो पेज को हमेशा जब भी आप काम करते हैं तो पेज को अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। जो तरीका है, पेज लेने के बाद माउस पॉइंटर यहाँ पर रखिए, राइट क्लिक कीजिए तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअल साइज पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद उसके बाद टूल बॉक्स में चले आइए और यहाँ पर जो टूल है हैंड टूल एज प्रेस कीजिएगा तो शॉर्टकट भी इसका आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। हैंड टूल को पेज को ऐसे करके थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लीजिए, इससे काम करने में आपको आसानी होगा, सहूलियत होगी। अब सवाल उठता है टेक्स्ट लिखना, तो एडोबी इन डिज़ाइन में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। टूल बॉक्स में जाइएगा और ये जो टूल है टाइप टूल जिसे बोलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। करने के बाद नॉर्मली इस तरह हम लोग टेक्स्ट ब्लॉक एक बनाते हैं, इस तरह टेक्स्ट फ्रेम या टेक्स्ट ब्लॉक बोलिए, इस तरह हम लोग टेक्स्ट ब्लॉक बनाते हैं। अब यहाँ पर कर्सर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब जो टेक्स्ट हमें लिखना है, तो जो भी आपको लिखना है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, GAUTAM गौतम लिख दिया, KUMAR कुमार लिख दिया, नाम तो लिख दिया। तो अब इसका सवाल उठता है कि इसका साइज हमें बड़ा करना है। सबसे पहला बात, साइज बड़ा करना है। तो जो भी आप टेक्स्ट जो भी लिखते हैं, जो भी वर्ड जो भी आपने लिख दिया है, अब इसको सिलेक्ट करना है। तो माउस पॉइंटर पीछे रखिए, कर्सर दिख रहा होगा, अब इसको इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मेनू बार है, सबसे ऊपर मेनू बार आपको दिख रहा है, उसके ठीक नीचे ये वाला जो पोर्शन है जिसे हम लोग कंट्रोल पैनल या कंट्रोल बार भी बोलते हैं, ये वाला पोर्शन चाहिए। तो ये कहाँ पे रहता है, अगर नहीं है तो विंडो में जाइएगा, यहाँ पे देखिए कंट्रोल का बटन दिया हुआ है, इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से वो चला गया। तो लाने के लिए अगर नहीं है तो विंडो में जाइएगा, कंट्रोल पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो आ जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन ए और एक ये दिखाई दे रहा है, अगर ये वाला ऐसे ऑन है तो इस तरह आपको दिखाएगा, जो पैराग्राफ सेटिंग वगैरह में काम आता है। अगर नहीं है, ये वाला अगर ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं, जो ए लिखा है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंट्रोल, तो इस पर क्लिक कर देना होगा, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो फॉन्ट है यहाँ पे शो कर रहा है कि किस फॉन्ट से लिखा हुआ है। तो फिलहाल इसका साइज बड़ा कैसे करेंगे, सिंपल तरीका यही है, ये जो बॉक्स 12 पॉइंट बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब जो साइज आपको जितना साइज लेना है, 30 लेना है तो 30 हो गया। आप यहाँ से भी जो ये बटन है आगे में जो बटन दिया हुआ, इससे भी ऊपर वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइज बढ़ रहा है। अब घटाना है तो यहाँ से इसको घटा सकते हैं, नीचे वाला बटन जो दिया इसे घटाते हैं हम लोग। तो ये रहा फॉन्ट का साइज, हम लोग इस तरह बड़ा करते हैं, यहाँ से हो चुका है। अब रहा सवाल, इसको अंडरलाइन कैसे करेंगे। तो अंडरलाइन करने के लिए सिंपल इसको सिलेक्ट रखिएगा, उसके बाद यहीं पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो बटन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ कर्सर रख रहा हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन पता चल रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए लाइन यहाँ पे देखिए अंडरलाइन हो चुका है टेक्स्ट। अब इसको अंडरलाइन अगर हटाना है तो अगेन इसको सिलेक्ट रखिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो अंडरलाइन चला जाएगा। लाने के लिए भी इसी पे क्लिक करना है और इसे रिमूव करने के लिए भी अंडरलाइन को इसी पे क्लिक करना है। अब रहा सवाल फॉन्ट का साइज, हमें साइज तो बड़ा हो गया, अंडरलाइन भी कर दिया। अब रहा सवाल फॉन्ट चेंज करना, मतलब फॉन्ट मतलब लिखा हुआ यही रहेगा, सिर्फ डिज़ाइन चेंज होता है, जो लेटर का डिज़ाइन है वो चेंज होता है।
तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ठीक देखिएगा जिस जगह फॉन्ट का बॉक्स है इसके डाउन बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये तमाम फॉन्ट की लिस्ट आपको यहाँ पे विजुलाइज होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। जो आपको फॉन्ट यहाँ से पसंद है आप यहाँ से अपने मन मुताबिक यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जो आपको अच्छा लगे एक एक करके यहाँ पे इसका सैम्पल डिज़ाइन यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए सपोज़ ये वाला चाहिए तो इस पर क्लिक कर दिया, देखिए वो डिज़ाइन देखिए फॉन्ट मेरा ये वाला, नाम वही लिखा हुआ है लेकिन इसका लिखावट चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो चुका है। तो इसका हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब रहा सवाल इसको कलर करना है, तो अगेन इसको इस तरह सिलेक्ट कर दीजिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। अब कलर करने के लिए देखिएगा एक बॉक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए जो टी लिखा है इसके डाउन बटन यहाँ देखो फिल कलर यहाँ पे शो कर रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए कलर है, अगर ये वाला कलर चाहिए, रेड चाहिए, चाहे ये चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखिए सिंपल तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से फिर से अगर नई यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर ब्लैक चाहिए तो ब्लैक पे क्लिक कीजिए, देखिए ब्लैक हो जाएगा जैसा था वैसा। तो इस तरह हम लोग कलर चेंज करते हैं, प्लस फॉन्ट का साइज बड़ा करते हैं, फॉन्ट का साइज छोटा करते हैं। प्लस अब रहा सवाल, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए लेटर आपने लिख चुके हैं, जनरली हम लोग स्मॉल लेटर में जब भी टाइप करते हैं स्मॉल लेटर में टाइप होता है, अब इसको सबको कैपिटलाइज करना है या जी को सिर्फ कैपिटलाइज करना है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए ये जो टी टी दिया है ऑल कैप्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा, देखिए कैपिटल हो गया। अगर सारे जो लेटर्स है सारे जो वर्ड है सबको कैपिटलाइज करना है तो इसको फिर से सिलेक्ट कर देते हैं और इस पर ये वाला जो टी टी लिखा हुआ ऑल कैप्स जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी में इस पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए सारा जो आपका वर्ड है वो कैपिटलाइज हो चुका है। तो यहाँ से भी आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, शॉर्टकट भी है, वो मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा। प्लस यहाँ से कलर भी एक है, देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ देखिए कलर दिया हुआ, यहाँ से भी आपको कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ से भी हम लोग कलर वगैरह चेंज करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी आप इसको चेंज कलर यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, ये देखिए कलर यहाँ से चेंज हो रहा है, ये देखिए इसको फिर से सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए चाहिए ये कलर, देखिए कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह हम लोग करते हैं। तो साइज इंक्रीज़ करना सीखा, फॉन्ट का फॉन्ट चेंज करना हम लोगों ने सीखा, नया फॉन्ट कैसे लेंगे, उसके बाद साइज डिक्रीज़ करना, घटाना, अंडरलाइन करना, अगर कोई लेटर को अगर काटना है, बहुत बार देखिएगा कि हम लोग कोई लेटर लिखा हो रहा था उसको काटना है, तो सिंपली अगर इसको काटना है तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रू तो ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, कट जाएगा, देखिए कटा हुआ है। फिर से उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप इसको सिंपल वे में काट सकते हैं। तो ये सिंपल तमाम चीज़ें हैं जो टेक्स्ट रिलेटेड मैंने आपको बताया, और आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं और बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।